आपका स्वागत है। आइए देखते हैं जनवरी 2022 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें कौन सी है। पहले नंबर पर वैगन आर है। यह भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की सूची में शीर्ष पर बनी हुई है। मारुति ने जनवरी में 20,334 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले महीने की 19,729 यूनिट्स की बिक्री से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट है। मारुति ने स्विफ्ट की 19,108 यूनिट्स जनवरी में बेची। पिछले साल दिसंबर में मारुति ने स्विफ्ट की 15,661 यूनिट्स की बिक्री की थी। तीसरे नंबर पर फिर से एक मारुति सुजुकी कार है। ये है मारुति सुजुकी डिजायर। जनवरी में इसकी 14,976 यूनिट्स बिकी, जो कि दिसंबर में इसकी 10,633 यूनिट्स की बिक्री से ज्यादा है। टाटा नेक्सॉन चौथे नंबर पर है। यह लगातार दूसरे महीने भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है। टाटा मोटर्स ने जनवरी में नेक्सॉन एसयूवी की 13,816 यूनिट्स की बिक्री की है। पांचवें नंबर पर मारुति की ऑल्टो है। मारुति ने जनवरी 2022 में ऑल्टो की 12,342 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में 18,260 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। छठे नंबर पर है मारुति अर्टिगा। जनवरी में मारुति ने अर्टिगा की 11,847 यूनिट बेची, जो पिछले महीने की तुलना में सिर्फ 7 अधिक है। अर्टिगा एक एमपीवी या मल्टीपर्पस व्हीकल है। सातवें नंबर पर है किया सेल्टोस। किया ने जनवरी में सेल्टोस की 11,483 यूनिट बेची। इसकी प्रमुख कंपेटिटर ह्युंडई क्रेटा है। आठवें नंबर पर है हुंडई वेन्यू। हुंडई ने पिछले महीने वेन्यू की 11,377 यूनिट्स बेची। पिछले साल इसी अवधि में ह्युंडई ने वेन्यू की 11,779 यूनिट्स बेची थी। नौवें नंबर पर मारुति की इको है। जनवरी में मारुति ने इको की 10,528 यूनिट बेची। और फाइनली दसवें नंबर पर है टाटा पंच। टाटा ने पिछले महीने पंच की 10,027 यूनिट बेची। टाटा पंच को लॉन्च हुए सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं।